हेलो एवरीवन। तो यार इतना ज़्यादा एफर्ट्स लगा के भी ना व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। क्यों, वीडियोस पसंद नहीं आ रही क्या, या कोई और रीज़न है बता दो। और यार 1000 लाइक 1000 लाइक्स तो भी मैं डिज़र्व करता हूँ ना एक वीडियो पे। सो यार कर दो, इतने व्यूज़ आते हैं, 1000 लाइक तो हो जाने। आपका एक लाइक भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। शेयर करो अपने पार्टनर्स को या फिर आपके जो फ्रेंड सिंगल हैं उनको। साथ ही साथ कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लग रही है, बहुत कम कमेंट्स आ रही है। जितना हो सके उतना लोगों तक शेयर करके सब्सक्राइब करो इस चैनल को ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। मेंबरशिप भी ओपन है, मेंबरशिप लेना चाहता है कोई तो ले सकते हैं। उस पर भी बहुत खास खास वीडियोस आते हैं, शॉर्ट्स भी रेगुलर आ रहे हैं, गो एंड चेक इट आउट। हर अल्टरनेट डेज पर मैं मॉर्निंग के साथ साथ रात में भी वीडियो डालता हूँ, सो उसे भी मिस मत करो यार। कंटेंट भर भर के दे रहा हूँ, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, कर दो। मेरे कपड़े निकाल दिए क्या? हाँ, निकाल निकाल दिए। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कपड़े निकाल दिए थे। मम्मी फोन पे क्या कर रहे हो? किसका फोन था? का और किसका आएगा? मम्मी का था? हाँ रात में भी तो मम्मा ने कॉल किया था ना शायद आपकी। हाँ पर मैंने उठाया नहीं था ना, रात बहुत हो गई थी इसलिए। नहीं, मेरे को नींद लग गई थी तब। आप शायद बाजू में जाके बात भी तो कर रहे थे मम्मी से। मेरे को उतना याद है कि आप बात कर रहे थे, क्योंकि मेरे को नींद बहुत आ रही थी रात में, आपको पता है मैं नहीं, आते मैं ही बात सोने नहीं वाला कर था। रही थी रात को, मैं वो वीडियो देख रही थी फोन में। अच्छा ठीक है, क्या बोल रही थी मम्मा फिर अभी? अभी तो रिसीव किया था मैंने। हाँ तो काट भी दिया, फिर मैं ही भी बात करा देता। कोई बात नहीं, आपको लेट हो जाएगा ना जाने के लिए। मेरे कपड़े दे दो यार, लुंगी पहन के बैठा हूँ मैं इधर बस। हाँ ये रहे, ये लो। अभी शर्म नहीं आती आपको जब मैं ऐसे आता हूँ तो? अब रोज ही ऐसे आप जो अब मतलब क्या है तुम्हारा? शादी के बाद से। अरे रोज का? मैं तो पहले भाई ऐसे शर्टलेस भी नहीं रहता था तुम्हारे सामने। हाँ तो जब केदारनाथ गए थे तब भी तो आप आए थे ना ऐसे। अरे तो अब क्यों आंखें चुरा रहे हो? क्या इधर देखो, इधर इधर इधर, अब क्यों आंखें चुरा रहे हो? कुछ नहीं, आपको लेट हो रहा होगा ये ना। देखो भाई सब मेरे, ये सॉरी मजाक कर रहा हूं, स्माइल तो कर सकते हो यार। क्या हुआ है कुछ नहीं हुआ, मोहतरमा? इधर देखिए जरा, क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं हुआ। मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ हुआ है, बता दीजिए जरा। क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। अच्छा खाने में क्या बनाया था नाश्ते में? याद भी नहीं है? स्टफ तो था, कुछ स्टफ बनाया था समथिंग। इसने मम्मा ने बनाया? नहीं मैंने बनाया। सीधा सीधा आलू पराठा बोल दिया करो यार, ज्यादा तो आलू ही होता है उसमें। क्या हंस रहे हो? सच तो कह रहा हूँ, ज्यादा आलू ही डालते हो तुम दोनों उसमें, और कहते हो स्टफ पराठा है, हद करते हो यार। क्या खुल के स्माइल करो, इधर देखो मेरी तरफ। नहीं मैंने अगर बोला नहीं होता कि तुम्हें अभी कुछ फील नहीं होता क्या, मतलब जब मैं ऐसे आता हूँ तो तुमने कुछ नहीं करा होता है ना? आपको लेट नहीं हो रहा है जाने के लिए? क्या अच्छा मैं कुछ कह रहा था आपसे, अब आज भी आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। रोज ही कहते हो ये? तो आप लगते हो ना, तो मेरी क्या गलती है? आपको देखकर फील आ जाता है फिर, और फिर आप मुझे गलत समझ बैठते हो हमेशा, है ना? ये वाला शर्ट सूट कर रहा है आपके साथ शायद, देखो मैं जो पहन रहा हूँ अभी हाँ सूट कर रहा है कर ना, रहा मतलब है। मैचिंग है। वाह यार, मैं सोच रहा था छुट्टी ले लेते हैं, कहीं घूमने चलते हैं दोनों। क्यों नहीं नहीं? कुछ काम है ना मेरे को, आज कहीं जाना भी है मुझे अपने फ्रेंड से मिलने।
यहाँ पर कौन से फ्रेंड्स बन गए तुम्हारे? मेरी एक फ्रेंड आई है मुझे मिलने के लिए, जा रही तो थी। ठीक है ना, उसको घर पे बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करना, उसे फोन लगाओ, उसे बोलो कि यार घर पे आ जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर और पे फिर नहीं दोनों जा एक काम सकते। करना ना, मम्मा भी कहीं घूमने नहीं जाती है, तुम दोनों के साथ घूमने तो चल जाएगी। भले पहले तुम घूम के आ जाओ, फिर शाम में फिर से चल जाना उनके साथ, तब तक मैं घर आ जाऊंगा। और रात में पार्सल लेके आ जाऊंगा खाने का, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी फिर आपको ना। तो उसके साथ टाइम भी स्पेंड करने मिल जाएगा, खाना बनाने की भी कोई ये नहीं होगी। बेस्ट आइडिया, या तो सब लोग बाहर चले आज। क्या वो भी कहते हो? साइड टाइप की है, वो जाती नहीं है ऐसे नए लोगों के साथ बाहर। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ तो जाएगी, हम लोग नहीं हुआ, तुम तो नहीं हो, बस बात खत्म। वैसे नाम क्या तुम्हारी फ्रेंड का? साक्षी। साक्षी शर्मा, वो जो शादी में आई थी हाँ वही है? हाँ वही है। तो क्या प्रॉब्लम है? वो तो बड़ी फ्रैंक लग रही थी मुझे, शायद तो बिल्कुल नहीं लगी उस टाइम, लेकिन उसकी हरकत ही वैसी थी, डांस भी किया था उसने। हाँ तो वो शादी थी ना इस वजह से। हाँ अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम एक काम करो, अब उसे फोन कर देना, बता देना, ठीक है? अच्छा अब टर्न हो जाओ, मेरे को ओके। पैंट पहनना है। तुम ना इधर देखो, अब हो गया। आपको नहीं लगता आपने कुछ गलत किया है? मैंने क्या गलत कर दिया? बहुत कुछ गलत किया आपने। अगर मैंने गलत किया तो तुम ऐसे पास में क्यों आ रहे हो? और कैट वॉक करना जरूरी होता है? स्माइल मैं कैटवॉक नहीं कर रही, बटन क्यों कर रहे हो फिर? देखो आपने कैसे लगाए हैं। कैसे? सही तो लग रहा है। ये सही है, ये देखो शर्ट ये वाली कितनी लंबी लग रही है, छोटी हो गई। ये आपने बटन जो ऊपर नीचे किए हैं। है मेरा ध्यान नहीं था आपकी तरफ देखते हुए, रुको ठीक कर लेता हूँ। मैं कर देती हूँ। आप कर दोगे? करो हाँ फिर। क्या हुआ? कुछ नहीं, तो इधर मेरी आंखों में देखते हुए बटन लगा सकते हो, उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखने की जरूरत पड़ती है वरना मैं भी ऊपर नीचे लगा दूंगी। तो फिर से लगा देना, यहीं वो पे क्या? रहना है क्या? हाँ इतने क्लोज कभी आते नहीं हो, सो इसलिए बेटर है। बाय द वे, रात में जो हग पेंडिंग थी, क्योंकि आपको तो फोन आ गया था, सो वो पेंडिंग रह गई है। मैं यहाँ पर हाथ रख सकता हूँ? हाँ रख सकते हो। यार आप इतने क्लोज में कितने क्यूट दिखते हो। अरे आंखों में देखो ना, बटन मत देखो, एक बटन बराबर लगा दिया मतलब नीचे के सारे बराबर लग जाएंगे। इधर देखो, अब आज भी वही शैम्पू ना, रोज वही होता है, जितनी तो बार तुम रोज भी करती शैम्पू करते हो? हूँ, जितनी बार भी करती हूँ। मैं बोल रही थी अच्छा मस्त स्मेल आती है यार। अच्छा मैं क्या कह रहा था, आप बहुत सॉफ्ट हो पता है। यू। शर्मा क्यों रहे हो? अगर खुद ही बटन लगा रहे हो तो शर्माओ तो मत। हाँ पेंडिंग है, क्या करना बटन है? तो लगा लो पहले पूरे। नहीं भी लगेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस चार बटन तो बचे हैं, एक ही लगाया आपने अब तक, टाई वाला जो सबसे ऊपर होता है। देखो आपको टाइट तो नहीं लग रहा नेक से?
टाइट कैसे होगा मेरे साइज का है? अरे बटन कई बार ज्यादा ऊपर होता है ना तो नेक प्रेस हो जाती है। तुम मुझे गला दबा के मारना चाहते हो? तभी पूछ रही हूँ ना, वरना टाई वाला वो बटन खोल देती हूँ, नीचे वाला लगा हुआ है तो टाई टिकी रहेगी। बस अभी एक काम करो, अपने हाथ हटाओ मेरे शर्ट से, ये 3 बटन रह गए, रहने दो, हटाओ। मैं भी गुस्सा नहीं हूँ, ऐसे नीचे मत देखो, मैं बस डिमांड करना चाहता हूँ कुछ आपसे। वो ये कि क्या मैं आपको ऐसे होल्ड कर सकता हूँ अच्छे से? हाँ कर सकते हो। डम्बो ये बोलो कि अब कर लिया है तो पूछना क्यों है? अब अगर आपने कर ही लिया है तो फिर पूछ क्यों रहे हो? आपने नहीं किया ना, पर मैंने कर दिया फिर भी। आपके हाथ अभी भी मेरे शर्ट पे ही है। पूछने हाँ तो मैंने पूछा नहीं ना उस चीज के लिए। की जरूरत नहीं है ना, हमारा रिश्ता क्या है आपको पता है, मुझे पता है। रात में भी आपने मुझसे हक का पूछा, एक्सपेक्टेड था कि सीधा आगे कर लोगे। बाय द वे मैं भी हाथ पकड़ने का पूछ ही रहा था, बट ठीक है। हाँ जी, जब मैंने हकी जब्बा बोले तो मेरे दिल में दर्द हो रहा है। ठीक है, आपने एक्सपेक्टेड नहीं था ये, आपने की नहीं थी रात में, झूठ मत बोलो ठीक है? मैंने की थी। अरे नहीं की थी, आपको कॉल आ गया था। और मेरे दिल में दर्द तो तब होता है जब आप ऐसे ही दूरी मेंटेन करते हो। जब ये नजदीकियां मेंटेन होने लगेगी ना, तो दिल खुश हो जाएगा मेरा, समझे? अच्छा लगता है जब आप ऐसे गले लगते हो। रो रहे हो क्या? नहीं, तो मेरा शर्ट गीला क्यों लग रहा है? आपने हक किया बाल तो, बाल पसीने से में भरे हुए ना, थे आप। अरे बाल में ना मैंने, अच्छा बाल गीले, तो अब ये दाग पड़ जाएगा ना शायद पानी का। नहीं सूख जाता है, ऑयल थोड़ी है। हाँ तो आपने ऑयल भी लगाया होगा बालों में यार, शिट। यार धोने के बाद पहले ऑयल तो थोड़ी लगाता है कोई, हाँ ठीक है, दूर क्यों जा रहे हो, आ जाओ पास। तो आप ही बोल रहे हो मेरा शर्ट गीला हो रहा है। अरे ऐसे ही रुको ना, अलविदा। आई लव यू। तो भगवान करिए मेरी खुशियाँ कभी खत्म ही ना हो, पता है ना आपकी। आपको नहीं लगता हम दोनों साथ में बहुत ज्यादा सूट होते हैं? तबाह क्यों रहे हो? हाँ। इतना प्यार आ रहा है मुझ पे। सुनो, 3 बटन बाकी है और मैं लगा देती हूँ। आपको नहीं, बट मुझे शर्म आ गई अभी क्योंकि आप लाइक वो बटन खुले और आपने हक कर लिया, तो वो मेरी टमी पे आपका ड्रेस टच हो रहा था, गुदगुदी सी हो रही थी। वो हो गए, अब टग इन कर लो। क्या भी कर दो ना। क्या मैं कह रहा था मैं करता हूँ, रुको 1 सेकेंड। वो नहीं भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लगाए हुए बटन और ये आपके हाथों से की हुई जो शर्ट पे प्रेस है ना, वो खराब हो जाएगी उससे, ठीक है? कभी कभी चल जाता है ऐसे, है ना? और ऐसे भी तो अच्छा लगता है।
और ये जो स्लीव्स है इसको ऊपर करो या ऐसे रहने दो, आधे वाले ऊपर आधे नीचे, गुंडो टाइप्स सही लगेंगे? नहीं ऐसे अच्छे लगते हैं। ऐसे गुंडो टाइप्स अच्छे लगते हैं? हाँ पर अगर आपके ऑफिस में वैसे बोला है तो आपको वैसे करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑफिस अपना ही है, टेंशन नहीं है उधर, ठीक है? तो मेरे पे छोड़ दो, आई विल मैनेज। बस तुमने बटन लगा दिया, अब ये खोलेंगे नहीं, फेवी क्विक से चिपका दिया अब बस। आप घर आने के बाद तो खुल जाएंगे ना। खोलोगे अपने हाथ से तो खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे, ठीक है? तो क्या इरादा है फिर, खोल दोगे अपने हाथ से? देखेंगे शाम को ठीक है। स्माइल ने जवाब दे बस दिया आपके, ठीक है, टेंशन मत लो, अब धक्का मत दो ऐसे, जाओ बोल के। इट्स खाना ठंडा हो जाएगा ना। ओके, आप गर्म कर दोगे, आई मीन टू से खाना। क्या हुआ? ठीक है, चले फिर नीचे। मम्मा मेरा ये हाल ताल देख के पक्का बोलेगी, कभी बाल भी बना लिया कर अपने, कभी शर्ट भी सही से पहन लिया कर, सूट पहनाई तो है सही से। अच्छा ये खुला है ना नीचे से, वो अंदर नहीं किया, और हाथ की स्लीव्स भी वैसी है, तो आप कर दो क्या ऊपर करनी है या बटन लगाना। जैसी मर्जी कर दो। थैंक यू, चले अब। हम्म।